अर्चनी वन्नी संसमाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, कल मैंने कुछ कहने का प्रयास किया था कि हमारा जो बेशकीमती समय है उसका सदुपयोग करें। आज भी हमारे पास समय बचा है। एक व्यक्ति दो कांच के गोली बदल करके जीवन को बदल देता है, घर की सुविधाओं को बदल देता है, वैसे ही हमारे पास बेशकीमती जीवन बचा है। बेशकीमती जीवन इसलिए बचा है, इसलिए बेशकीमती है क्योंकि हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। वो लोग बेचारे असहाय है जो चाह करके भी सत्संग में नहीं आ सकते, क्योंकि चलने की शक्ति नहीं आता, दूसरों का सहारा लेता है, बेसहारा है। जो चाहता तो है सत्संग सुनना, लेकिन यहाँ तक आने के लिए उनके पास साधन नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं तो सत्संग में आने के लिए, लेकिन बेचारा आंख से देख नहीं सकता, इसलिए नहीं आ सकता। कुछ लोग चाहते हैं सत्संग सुनना, लेकिन वो सत्संग सुन नहीं सकता क्योंकि उनके कानों पे सुनाई नहीं देता है। किसी न किसी प्रकार की समस्याएं हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो कि आज अवसर मिला है हमको। हम सत्संग स्थल में बैठे हैं। एक ऐसे सत्संग, एक ऐसे विचारों की क्रांतियां, एक ऐसे विचारों का लहर पैदा हो रहा है जहां न भ्रम है, न मान्यता है, न कर्मकांड है, न पाखंड है, बस जीवन को परिमार्जित करने का तरीका है। जीवन को कैसे तराशा जाता है, जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाता है, ये चीज बताया जा रहा है। न कृपा न क्रोध की बात कही जा रही है, न पूजा न पाठ की बात है, बस जीवन को तराशने की बात है। हम जीवन को कितना तराशते हैं। कबीर विचारों को सुनने के बाद में मन में एक लहर पैदा हो जाती है, इतना सुंदर विचार, अब मुझे भी जीवन में बदलना है। लेकिन कहना अलग चीज होता है आत्मीय बंधुओं, और करना अलग चीज होता है। जीवन में बदलाव आना अलग चीज होता है। बदलाव सहज नहीं आता है, बदलाव लाने के लिए बहुत ही मेहनत चाहिए। और कोई बिरला लोग होते हैं जो जीवन में बदलाव लाते हैं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कबीर पंथी है, राधा स्वामी है, गायत्री वाले हैं, ओम शांति वाले हैं, भोलेनाथ वाले हैं, सब मानने वाले बस हैं। बाहर से अंदर से परिवर्तन नहीं होता। संतों के विचार सुनते हैं, मन में एक नया लहर पैदा हो जाते हैं, कितना सुंदर विचार। लेकिन जीवन से एक चीज नहीं छूट पाता है, एक चीज नहीं छूट पाता है। यदि यहाँ कोई गुटखा खा करके आते रहे होंगे तो यहाँ से जाने के बाद में गुटखा छोड़ दे, कोई बिरला बिरला होता है। पता चलता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं कर्म कांड है, गले में धागा बांधे हैं कर्म कांड है, ताबीज बांधे हैं कर्म कांड है, हाथ में अंगूठी पहने हैं कर्म कांड है, इससे कुछ नहीं होने वाले हैं, पैरों में धागा बांधे हैं कर्म कांड है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सुनने के बाद लगता है बहुत अच्छा, क्या फेंक दोगे निकाल करके? इतना हिम्मत नहीं है फेंकने की। इसलिए सब मन का ये कहना चाहिए, रसपान बस हो रहा है। यदि जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है ना, तो बस मन का एक रुझान, मन का एक कानों के एक संगीत सुनाई पड़ता है, कानों में नया ओज पैदा हो जाता है। कितना अच्छा संगीत है, एक नए प्राण ऊर्जा मिलता है, नए विचारों का संचालित होता, विचार संचालित होते हैं, सुनकर के लगता है बहुत अच्छा। और जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो हम सबके सब कर्मकांडी है, कड़वे शब्द है। हम जीवन में जो चर्चाएं कर रहे हैं और वो जीवन में फॉलो नहीं हो पा रहा है, मतलब ये कर्म कांड ही है। चाहे कितना ही अच्छा ज्ञान चर्चा क्यों ना हो, और सब हम बैठे उसमें से अधिकतम लोग कर्म कांड ही है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। मैंने कल भी कहा था कि माता पिता से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो। कितने लोग प्रेम करते हैं? सुनने में तो अच्छा लगता है, प्रेम तो नहीं करते, तो कर्म कांडी तो ही है।
अपने जीवन में एक चीज और कहा था कि कबीर साहब का विचार कर्म सिद्धांत, कर्मों की सुधार, कर्मों को सुधारते जाओ जीवन बदलता चला जाएगा। जीवन कैसे बदलता है? मकान बदल दो जीवन बदल जाएगा। अच्छा मकान बना लो, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, फॉल सीलिंग, मार्बल, ग्रेनाइट बिछा दो, एकदम घर चकाचक लगेगा, जीवन बदल जाएगा। अच्छा खाना पीना शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगा। अच्छा गाड़ी ले लो, जीवन बदल जाएगा। अच्छा बड़ा सा मोबाइल रख लो, जीवन बदल जाएगा। सुंदर कपड़े पहनते, अभी तक 500 रुपए का कपड़ा पहनते थे, 5000 का कपड़ा पर लोग देखेंगे, कहेंगे आदमी जीवन बदल जाएगा, कहेंगे ये सारी चीजों से जीवन नहीं बदलता है, इन सारी चीजों से सुविधाएं बदलती है, सुख का साधन बदलता चला जाता है, जीवन बदलता है अंतःकरण के परिवर्तन से। आपने अंतःकरण को कब बदला है? मन को कब बदला है? मन को सही दिशा की ओर कब ले गए हैं? अच्छी अच्छी ज्ञान चर्चा करना अलग बात है, लेकिन जीवन में हासिल करना अलग बात है। कबीर के विचारों को सुन करके जीवन में आचरित कोई बिरला बिरला करते हैं, बाकी तो कबीर पंथी है वो भी वामपंथी और नरकपंथी चले होते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि कबीर के विचारों पर सिर्फ ठोकरें मिलती है। सर कबीर के विचारों पर घर बदलना, मकान बदलना, पूजा पाठ, कृपा कोप, आशीर्वाद, ये सारी चीज कट जाते हैं। कहते हैं तुम बदलो, अपने मन को बदलो। तो मन को कहां बदल पाएंगे? जीवन ही नहीं बदल पाता है तो मन को कैसे बदलेंगे? एक गुटखा खा रहे हैं, 40 साल से साधना कर रहे हैं, लेकिन गुटखा नहीं छोड़ पाए, जीवन को क्या बदलेंगे? एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ में भी थे हम लोग, तो एक व्यक्ति सत्संग में आया, कहे साहब जी मैं 40 साल से सत्संग से जुड़ा हूँ। मैं कहा बहुत बढ़िया। वो आदमी गुटखा खाता था, दांत झड़ चुका है, लेकिन गुटखा खाना बंद नहीं हुआ है। अब क्या करता है? दांत झड़ गया है तो नया पाउच आता है ना, गुटके का पाउच, गुटखा का पाउच लेता है और इतना बड़ा छोटा सा एक हथौड़ी रखा है, गुटके के पाउच पत्थर पर लेता है, पत्थर पर रख करके हथौड़ी से उसको कूट देता है और कूट करके मुंह में डालता है, क्योंकि दांत नहीं है, दांत तो झड़ गए हैं। मैंने कहा आप गुटका खाना कब से शुरू किए हैं? अच्छा ये बताइए कबीर पंथ से कब से जुड़े हैं? बड़ा गर्व के साथ और अहंकार के साथ कहता है कि साहेब जी मैं 40 साल से कबीर पंथी हूं। मैं कितना गर्व होता है बोलने में। अच्छा गुटका खाना कब से शुरू किए हैं? साहब जी गुटका खाते खाते तो मुझे 30 साल हो गया, छोड़ नहीं पा रहा हूं। नुकसान हुआ कि फायदा हुआ कबीरपंथी होने से? आप पहले गुटका नहीं खाते थे, अब कबीर के विचारों से जुड़ गए और गुटका खाना शुरू कर दिए। आपने कुछ भी नहीं सुना है, बस वहां जाकर के कहना चाहिए कानों का रस ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे हम सबकी स्थिति है। कबीर विचारों को सुनने के बाद में जीवन बदलना चाहिए, जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, आत्मबल आत्मविश्वास जागृत हो जाना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास ह्रास होता चला जा रहा है। अपने बाहों बल पर भरोसा नहीं। सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं कर वहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके अंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हम सबके लिए कहते हैं, हम सबके सब प्यासा और दरिद्र की तरह जीवन जी रहे हैं। यदि जीवन में शांति नहीं मिल रही थी, इससे बड़ी दरिद्रता क्या हो सकती है? आत्मज्ञान की बात करते हैं, जीवन सुधार की बात करते हैं, कर्मों की सुधार की बात करते हैं, खान पान की सुधार की बात करते हैं, अपने बाहों बल की भरोसा की बात करते हैं और सुनते हैं बड़ा मजा आता है, लेकिन जीवन में भरोसा नहीं है। इतना बड़ा शरीर है, 6 फीट का शरीर, लेकिन 6 फीट के शरीर में भरोसा नहीं है, अपने गुरु परंपरा पर भरोसा नहीं है, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है, जिन आदर्शों को लेते हैं उन पर भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा होता है? एक पैर में काला धागा बांध लिया उस पर भरोसा होता है, लेकिन 6 फीट के शरीर पर भरोसा नहीं होता है। आदमी की बुद्धि देखिए, 6 फीट के शरीर पर भरोसा नहीं है, काले धागे पर भरोसा है, अपने जीवन पर भरोसा नहीं, अपने खान पान पर भरोसा नहीं, अपने डॉक्टर इलाज पर भरोसा नहीं, अपने माँ बाप, अपने गुरु परंपरा, अपने बच्चे पर भरोसा नहीं। आदमी क्या करता है? एक अंगुली में अंगूठी पहन लेता है, उस पर भरोसा है, लेकिन जीवन पर भरोसा नहीं है। अंगूठी पहनने वाले कह रहे होंगे साहब हमको कह रहे हैं,
जरूर कह रहा है। अंगूठी पहनने और का फायदा और नुकसान बता दूं, बस देखने में अच्छा दिखता है लेकिन कुछ अच्छा नहीं है, इतना ही फायदा है। नुकसान क्या क्या है? सोने की अंगूठी है तो कहीं गुम न मच जाए उसका डर। आप जब जब गंदगी साफ करते हैं तो गंदगी अंगूठी के नीचे चला जाता है, उसका नुकसान। गर्मी के दिन में अंगूठी पहनने से वहां पर ठंडा होता, गर्म होता है, और ठंडी के दिन में गर्म, ठंडी के दिन में ठंडा, गर्मी के दिन में गर्म, उसका नुकसान। अंगूठी कोई अच्छी चीज नहीं है। एक बहन सुबह सुबह रोज रोज एक मूर्ति के पास में पूजा करती थी और पूजा करती थी। एक दिन पूजा करने के लिए लगी, अगरबत्ती जलाई और हाथ जोड़ करके पूजा कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान मुझे सब कुछ देना, क्योंकि जितने पुजारी हैं सब भिखमंगे हैं। कोई बिरला बिरला होगा जो आत्मा शांति के लिए पूजा करते हैं, कोई धन मांगते हैं, कोई पुत्र मांगते हैं, कोई नौकरी मांगते हैं, कोई गाड़ी घोड़ा, तो कोई मकान, तो कोई दौलत, तो कोई और कुछ मांग रहे हैं। कोई बिरला बिरला होंगे जो आत्मा शांति के लिए पूजा करते हैं। वो बहन पूजा कर रही है, पूजा करते करते बोल रही है, उनको अलग से गंध आने शुरू हो गई। पूजा करते करते बहन बोलती है, हे भगवान, मैं जब जब रोज पूजा करती थी तो मुझे स्वयं सुगंध आता, सुगंध महसूस होता था, लेकिन आज पूजा कर रही हूँ तो मुझे दुर्गंध आ रही है। भगवान आज क्यों बदबू दे रहे हो? वो भगवान से बोल रही है, भगवान आज क्यों बदबू दे रहे हो? घर से बहू निकलती है, घर से उनकी सासू माँ निकलती है और बोलती है, बेटी बदबू भगवान नहीं दे रहा है, बदबू तुम्हारे अंगूठी के बीच में जो गंदगी फंसा है ना, तुमने जो कीचड़ साफ किया है वही गंदगी, टट्टी उसमें फंसा है, वही गंदगी बदबू दे रहा है, भगवान बदबू नहीं दे रहा है। आदमी को अपने कर्मों पर भरोसा नहीं, मत पहनो अंगूठी, कोई जरूरत नहीं, कोई ओझा बैगा के पास जाने की जरूरत नहीं है। आदमी जब मकान बनाता है तो 40 लाख 50 लाख 60 70 80 लाख का मकान बनाता है, उस पर भरोसा नहीं होता है। किस पर भरोसा होता है? एक नींबू एक मिर्चा गूंथ करके डाल देता है उस पर भरोसा होता है, लेकिन इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं होता है। अब उस मकान में न किसी का नुकसान होगा, न कोई बीमार पड़ेंगे, न किसी की मृत्यु होगी, न किसी का एक्सीडेंट होगा, कभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नींबू और मिर्चा उस पर रखा है हुआ है, ये नाश करने वाले हैं। आदमी की बुद्धि कैसे सेट रह गई है? आदमी इतने कमजोर होते चले गए हैं। हम लोग एक बार जयपुर गए थे, जयपुर में सुंदर मकान बनाया था, मकान करीब करीब 80 से 90 लाख रुपए में बनाया गया। मकान बनाने के बाद उस मकान में फॉल्स सीलिंग, ग्रेनाइट, मार्बल, पुट्टी, पूरा आल, पूरा मकान चमक रहा है एकदम। लेकिन मकान के ऊपर में एक व्यक्ति ने, एक मकान मालिक ने काल उस मकान के ऊपर एक काला पुराना टायर लटका दिया है। संत ने पूछा, भैया काला पुराना टायर क्यों लटकाया गया है इतने सुंदर मकान में? एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज जी मकान मालिक ने इसलिए लगाया है क्योंकि इस मकान में किसी का नजर न लगे। तो संत ने कहा, क्या टायर रखने से नजर नहीं लगता? हाँ, मानते हैं महाराज जी कि टायर रखने से, इस मकान पे पुराना टायर रखने से नजर नहीं लगता है, टायर रखने से। संत ने कहा, मकान मालिक से बोल देना ये पुराना टायर ही है, एक नया टायर खरीद करके अपने गले में लटका लेंगे, उसको मौत का नजर नहीं लगेगा। हम सब सुनते बस हैं। बच्चे का तबियत खराब होता है, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए तो झाड़ फूक कराते हैं। बच्चे पैदा होते ही मैं कल भी कहा था, उनके पैरों में धागा बांध देते हैं, बच्चे को पूजा पाठ सिखाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पूजा पाठ किनकी करना चाहिए भी नहीं बताते हैं। बच्चे को मूर्ति की पूजा सिखाते हैं, बच्चे मूर्ति की पूजा करता है, कभी माँ बाप की पूजा सिखाते तो बच्चे माँ बाप की पूजा करता, आपने सिखाया ही नहीं। सौभाग्यशाली माँ बाप होते हैं जो अपने माता पिता की पूजा पाठ सिखाते हैं, अपने माता पिता की वंदना करते हैं। इसलिए कहा, कल श्री साहब जी ने कह रहे थे कि माता पिता की पूजा, आचार्यों की पूजा, अतिथि की पूजा, ये चार हमारे महापुरुष है।
और इनकी वंदना होनी चाहिए, इनकी भक्ति करना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ मूर्तियों की भक्ति करते करते हमारी बुद्धि भी कमजोर होती चली गई। जब आदमी गाड़ी लेता है तो 30 लाख 40 लाख 50 लाख की गाड़ी लेता है, उस पर भरोसा नहीं होता है, गाड़ी के इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं होता, गाड़ी के टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं होता है। आदमी गाड़ी लेता है तो गाड़ी में एक लाल चुनरी बांध लेता है, उस पर भरोसा होता है, उसके इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। अब वो गाड़ी में एक्सीडेंट नहीं होगा। आदमी की बुद्धि देखी आदमी, मैंने कहा सत्संग सुनते सुनते जीवन बीत जाता है। 30 साल 40 साल हो गया सत्संग सुनते, लेकिन आदमी एक खैनी रगड़ता है ना तंबाकू, उसको नहीं छोड़ पाता है। क्या सत्संग सुनते हो, कौन सा जीवन सुधारोगे, क्या बदल लोगे सत्संग सुन करके? मत सुनो, सत्संग की जरूरत नहीं है। कर्म कांड नहीं छूट रहा है, बुरी आदतें नहीं छूट रही है। बच्चे पैर प्रणाम कर रहे हैं, बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, उनको मस्त चेहरे से मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देना चाहिए। तो बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, अधेड़ अवस्था आ गई है, और बच्चे को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, मुंह में पान गुटखा भरे हैं, तंबाकू भर रहे हैं, गलगल गलगल कर रहे हैं, लाल लाल थूक रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, कौन सा आशीर्वाद? बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, पति पत्नी में लड़ाइयां भी चल रही है, कौन सा आशीर्वाद दोगे? बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, सास बहू में लड़ाइयां चल रही है, महाभारत युद्ध चल रहा है, कौन सा आशीर्वाद दोगे? जीवन नहीं बदलेगा, कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी हवन तर्पण कर लो, कितने भी सत्संग सुन लो, जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में परिवर्तन चाहिए तो आदतों को सुधारो, बच्चों को सही दिशा दो, सही ज्ञान दो, सही आचरण, सही शिक्षा सिखाओ, बच्चों को सही संस्कार दो, बच्चे को माता पिता की पूजा और वंदना करना सिखाओ, बच्चे को मूर्ति ही पूजा मत सिखाते रह जाओ। हर माँ बाप की एक शिकायत होती है कि हमारे बच्चा हमारा कहा नहीं मानते हैं। मैं लोगों से कहा करता हूँ कि आप अपने बच्चे को कब सिखाते हैं कि आपका कहा माने, और शायद मैं कहूँ कि आपके बच्चे आपका कहा मानते हैं, आपके बच्चे आपका कहा मानते हैं, आप जो बच्चे को सिखाते हैं आपका बच्चा आपका कहा मानते हैं, आपने बच्चे को क्या सिखाया? हर माँ बाप की शिकायत है कि हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते, और मैं कहा करता हूँ कि आपके बच्चे आपका कहा मानते हैं, बल्कि आप जितना कहते हैं उससे ज्यादा बच्चे करने के लिए तैयार होते हैं। आपके पहले सिंगल मंजिल का मकान था, आपके बच्चे डबल मंजिल बनाने की ताकत रखते हैं। आपके घर में पहले मोटरसाइकिल और साइकिल ही हुआ करता था, आपके बच्चे कार खरीद सकते हैं। आपके पहले सैलरी 20,000-30,000 था, आपके बच्चे 50,000 रुपये कमा सकते हैं। आपके पहले जितना आवक नहीं था, जो सुविधाएं नहीं थी, वो बच्चे आपके पास ला करके रख सकते हैं, क्योंकि आपने सिखाया है। नौकरी कैसे करना आपने सिखाया, पैसे कैसे कमाना आपने सिखाया, मकान कैसे बनाना आपने सिखाया, खेती व्यापार कैसे करना आपने सिखाया। क्या आपने ये भी सिखाया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए? आपने सिखाया ही नहीं है इसको। आप कब बच्चों को बैठा करके प्यार से समझाए हैं कि जीवन को कैसे कैसे जीना चाहिए, बड़ों से कैसे आदर और सम्मान भरे शब्दों से प्यार से शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, अतिथि का कैसे सम्मान करना चाहिए, आचार्य का कैसे सम्मान करना चाहिए, माता पिता का कैसे सम्मान करना चाहिए? आपने कब सिखाया? आपने तो सिखाया ही नहीं है। आपका जीवन ही खुद नरक का द्वार बना है। घर में जाते ही महाभारत युद्ध चालू हो जाता है, घर में जाते ही अशांति का माहौल पैदा हो जाता है, घर में जाते ही बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं, आपकी पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं, आपसे वार्ता नहीं करना चाहते हैं, ऐसे ही अहंकार भरे लेकर के घर में प्रवेश करते हैं। कौन सा पाठ, कौन सा शिक्षक, कौन से कबीर की वाणियों को आप गहन मनन चिंतन करते हैं? बदलिए जीवन को, कर्म कांड से हटते जाइए, बच्चों को सही शिक्षा दीजिए, बच्चे को कभी अनाथालय में ले जाकर के दिखाइए कि वहाँ अनाथालय में बच्चे कैसे माँ बाप के बिना कैसे तरसते हैं, कभी वृद्ध आश्रम में ले जाइए, वहाँ ले जाकर के दिखाइए कि माँ बाप कैसे बच्चे के प्यार के बिना तरसते हैं, कैसे व्याकुल होते हैं, कैसे तड़पते रह जाते हैं अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए। कभी उनको आश्रमों में ले जाइए, संतों के सानिध्य में 2-4 दिन ठहरा करके दिखाइए कि कैसे बच्चे कैसे संतजन अपने खुद सेवा, श्रद्धा और साधना के बल पर जीवन को परिमार्जित करते हैं।
किसी ने कहा है यदि संत न होते तो जल मरता संसार, ये संतों की कृपा है। और संत वो भी संत को कृपा है जिन संतों का ज्ञान और आचरण अच्छा है। संत बहुत है लेकिन संत नहीं है वो लोग। संत वेशधारी बहुत है लेकिन संत नहीं है जिनका ज्ञान और आचरण ही छिछलापन हो, जो सिर्फ सिर्फ अपना व्यापार चलाता हो, जो सिर्फ सिर्फ अपना घर पोषण के लिए वेश धारण कर लेता हो, वो संत नहीं है। कुछ ऐसे भी संत होते हैं जो बोलते कुछ अलग है और करते कुछ अलग है, खाना पीना नहीं बदल पाता है, गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये ही नहीं छोड़ पाते हैं और संत भी हो जाते हैं। ये चलता है, जीवन को बदलिए, बच्चों को सही दिशा ले जाइए। बच्चे को आप कार नहीं देते, मोबाइल नहीं देते तो बच्चे चार दिन छह दिन रोएंगे, और बच्चे को संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। आप बच्चों को कौन सा संस्कार देते? बच्चे को सही संस्कार दीजिए। आप किस घर में पैदा हुए, कितना बड़ा घर है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपके घर का माहौल कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। ये प्रकृति का नियम है, कोई धन से गरीब होता है, कोई अमीर होता है, लेकिन दिल से सब अमीर हो सकता है। आपके हाथों में है, आपके हाथों में है। आपके बच्चे की नौकरी लगती नहीं लगती ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बच्चा कैसा कितना पैसा कमाता है ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप बच्चे को अच्छा इंसान बना सकते हैं, आपके हाथों में है। आप खुद अपने जीवन को नहीं तराशेंगे तो बच्चों को कैसे बदलेंगे? शादी होने के बाद 40 साल 50 साल 60 70 साल हो जाता है, पति पत्नी झगड़ते पूरा जीवन बीत जाता है। जो खुद नहीं सुधर पाए, खुद जीवन को नहीं तराश पाए, बच्चों को कैसे समझाएंगे? जब सात भंवर फेरे में लिया जाता है तो कहा जाता है कि मैं सात जन्मों तक मैं आपका आपके साथ निभाऊंगा, एक जन्म तो निभाना मुश्किल हो जाता है, सात जन्म क्या निभाएंगे? एक जन्म को निभाते निभाते लगता है कभी इसके पल्ला छूटे, कभी इससे बाहर भागे हम। कभी पूछते हैं पति देव जी मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, दो चार दिन में आ जाओ। पत्नी झट से बोल पाती है, दो चार दिन क्या, 15 दिन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जीवन नरक बन जाता है। बच्चों से प्रेम करना सीखिए, आपके बच्चे ही आपका भविष्य है। आपके बच्चे आपका भविष्य है, बच्चे को सही संस्कार दीजिए। सिर्फ कानों तक सुनते मत रहिए कबीर विचारों को। कबीर की विचार ऐसा विचार है, सद्गुरु कबीर का विचार जो अंदर झकझोर देता है, अंदर एक लहर पैदा, एक तूफान पैदा हो जाता है कि क्या करें हम। सुनने में तो कितना आनंद आता है, जीवन में एक भी परिवर्तन नहीं कर पाते। और यहाँ से जाते जाते आप लोग एक काम करना कि कम से कम बोलने की कला सीख करके जाना, यहाँ से जाना। बोलने की कला जीवन की सबसे सुंदर कला है। और जो आदमी बोलने की कला जान जाता है, वो आदमी का घर घर बन जाता है, घर स्वर्ग बन जाता है, घर परिवार में आनंद से जीने का तरीका आ जाता है। और जिस आदमी को बोलने का कला नहीं आता, वह घर नरक का द्वार बन जाता है। बच्चे भी दुश्मन बन जाते हैं, माता पिता भी दुश्मन बन जाते हैं। और जिस व्यक्ति को बोलने का कला आ जाता है, वह व्यक्ति दुश्मन को भी मित्र बना लेते हैं, वैरी को भी मित्र बना लेते हैं। बोलने की कला आ गई तो, और बोलने की कला नहीं आई तो सब कुछ बर्बाद तबाह हो जाता है। बोलने की कला जीवन की सबसे सुंदर की कला है। बोलो ऐसे कि प्रीकर हो, हितकर हो, मधुकर हो, वाणी में मिठास हो, वाणी में शक्कर खुला हुआ हो। ऐसे शब्दों को चयन करके बोलना, क्योंकि शब्द एक ही है। एक शब्द के मार से आदमी राजपाट छोड़ देता है, और एक शब्द के मार से आदमी जीवन को नरक बना लेता है। शब्दों की मार, एक ही शब्द है। आप बड़े प्यार से कहते हैं तो वो शब्द ऐसा होता है कि माँ बाप आपके बच्चे आपसे प्रेम करना सीख जाते हैं। और शब्द एक ही ऐसा है जो कि कटु और कुठार शब्द बोला गया है तो आपके बच्चे भी आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपसे प्रेम करना छोड़ देते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, आपसे वार्ता नहीं करना चाहते हैं, आपको दुश्मन जान पड़ते हैं। शब्द की मार है। आत्मीय बंधुओं, बोलना सीखना, अपने बच्चों को
प्रेम करना, अपने बहू से प्यार से बात करना, अपने बेटे से प्यार से बात करना, अपने सास ससुर से प्यार से बात करना, यहाँ से जाना तो बोलने की कला सीख करके जाना। मुझे जोर से तीव्र आवाज में क्रोधित होकर के अहंकार भरे शब्दों का उपयोग नहीं करना है, मुझे प्यार से धीरे से मधुकर वाणी का उपयोग करना है, आपसे सब प्रेम करना सीख जाएंगे। जीवन में बोलने की कला इसलिए बोलने की कला बहुत जीवन की महत्वपूर्ण कला है। आप बोलना सीखिए। मैं कोई उदाहरण बताऊं, एक जगह एक माँ अपने बेटे की शादी करता है और बेटे की शादी करने के बाद में उसके घर में बहू आती है। घर में बहू आती है तो घर में मक्खन खूब होता था। एक दिन मक्खन पकाने के बाद घर मक्खन पकाने के बाद में घी से घड़ा भरा हंडा था, उसको उठा करके कमरे में रख देने के लिए उनकी सासू माँ बोल देती है अपने बहू से। बहू से बोल देती है, बेटी घी मक्खन पक जाने के बाद में घी से घड़ा भरा हुआ हंडा उठा करके किचन में ले जा करके रख देना। कुछ देर बाद मक्खन पकता है और हंडा उठा करके घर में बहू किचन में ले जा रही है। गरम पका हुआ घी था, हंडा में था, हाथ से छूट जाता है, घी गिर जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। दौड़ करके उनकी सासू माँ आती है, पूछती है, बेटी तुमको कहीं चोट तो नहीं लगा, कहीं जला तो नहीं? बहू बोलती है, माँ न चोट लगी न जला कहीं, लेकिन घी पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। घी पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। सासू माँ बोलती है, बेटी कोई बात नहीं, बेटी कोई बात नहीं, घी हम फिर से पैदा कर सकते हैं, घी हम फिर से बना सकते हैं, लेकिन तुम सुरक्षित हो, ये सबसे बड़ी बात है। उनके मन में इतना प्रेम भर जाता है, इतना प्रेम भर जाता है। कुछ वर्षों बाद वही सासू माँ जब तबियत खराब होने के बाद खाट में बिस्तर में ही टट्टी पेशाब खाना पीना सब कुछ बिस्तर पे होता है। एक दिन उनके मायके से उनकी माँ देखने के लिए आती है अपनी समधिन को। तब उनकी बेटी की सफाई देखती है, टट्टी पेशाब खाना पीना सब कुछ इतना अच्छे ढंग से प्रेम से करती है, इतना प्रेम से करती है। उसके बाद में उनकी बेटी उनकी माँ पूछती है, बेटी जब तुम ये सारे चीज करते हो तो तुमको बदबू नहीं आती है? बहू क्या बोलती है, माँ मुझे बदबू नहीं बल्कि उसके जगह घी की सुगंधि आती है। एक शब्द था जो कि तुमको चोट तो नहीं लगा, घी के गिरने के बाद में जला तो नहीं? ये डांट देते यदि तुमने इतने सारे घी को बर्बाद कर दिए तो जीवन ही बर्बाद हो जाता सासू माँ का और बहू का। लेकिन उन प्यार भरे शब्दों का उपयोग किया, उसका परिणाम ये होता टट्टी पेशाब को चंदन की तरह साफ कर रही है और उसमें घी की सुगंधि आ रही है उसको। आप अपने बहुओं से प्रेम करना सीखो। आपके बहू आप मैं कहा करता हूं कि आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है, आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है। जिस दिन बहू में आपको बेटी नजर आए तो समझ लेना कि मैं आज एक सासू माँ नहीं बल्कि एक माँ बन गई। आपकी बेटी आपके बहू को एहसास हो जाए कि मेरे असली माता पिता, मेरे असली माँ बाप मेरे सास ससुर ही हैं, उस दिन आप एक सास ससुर नहीं बल्कि एक माँ हो जाती है। इसलिए आप अपने बहुओं से प्रेम करना। आपकी बहू ही विषम परिस्थिति में काम आएगी, आपकी बहू ही आपके खाट में बिस्तर में पड़े रहेंगे तब काम आएंगे। आपकी बेटी काम नहीं आएगी, आएगी तो दो दिन चार दिन रहेगी, उसके बाद में चली जाएगी, कहेगी माँ मैं नहीं रुक सकती क्योंकि मेरे घर में काम है, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकती। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों से प्यार करो, अपने माँ बाप से प्यार करो और घर से जब जब निकलो तो चरण स्पर्श करके निकलो, माता पिता की चरण स्पर्श। मात्र पैर छूना ही नहीं होता है, पैर छूना सिर्फ पैर छूना ही नहीं होता है, पैर छूने के साथ साथ उसके आशीर्वाद होती है, उसके दुआएं होती है। जब जब आप चरण स्पर्श करके जाते हैं, घर से निकलते हैं, आप ही ड्यूटी खेत खलियान जाते हैं और शाम को आपका 6 बजे आने का टाइम है, 6:05, 10 मिनट हो गया, माँ और पिता गेट से बाहर निकल करके बार बार देखते हैं मेरे बच्चे आ रहे हैं,
मेरे बच्चे आ रहे होंगे, उनके दुआएं, उनका प्यार, उनका प्यार आपको घर तक खींच करके लाता है, उनका प्रेम घर तक करके खींच करके लाता है। और यदि माता पिता से प्रेम नहीं होता, माता पिता से सम्मान नहीं होता, माता पिता से लगाव नहीं होगा और वो पैर नहीं छुएंगे आप, और उनके प्रति घनिष्ठता नहीं होगा, प्रेम से गदगद नहीं होगा मन, तो आपका घर ऑफिस से ड्यूटी से खेत से निकलने के बाद आपका पैर माता पिता की ओर ना बढ़ करके शराब भट्टी की ओर बढ़ेगा। आपका जीवन माता पिता से प्रेम करना। वो माता पिता है जो बच्चों के लिए हर कसम खाता है और बच्चों के लिए पूरे जीवन को दांव पे लगाता है, अपना एक एक पाई जोड़ता है, खुद जिन सुविधाओं को, जिन चीजों को नहीं देखा वो सारी सुविधाएं बच्चों के लिए ला करके खड़ा करता है कि मेरे बच्चे सुंदर जीवन का निर्माण करे। कभी स्कूलों में नहीं गया वो बच्चे, अपने बच्चे को, वो माता पिता अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराता है। माता पिता को कभी तकलीफ मत देना और सुंदर जीवन का निर्माण करना। यह कार्यक्रम हर वर्ष होता है। श्री प्रभु मास्टर जी अपने बहुत लगन से हर वर्ष वो कराते हैं और बड़े लगाव से करते हैं, धन्य के पात्र है, और साथ साथ पूरे परिवार उनके सुपुत्र धन्य के पात्र है। अपने ऐसे माता पिता के कोख से उन्होंने जन्म लिया है, अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहिए। वो पिता है जो अपने एक एक पाई, अपने गाढ़ी कमाई का पैसा कहीं बाहर नहीं फेंक रहा है, कहीं कर्म कांड और पाखंड में नहीं लगा रहा है, बल्कि धार्मिक कार्यों में लगा रहा है। उसके बदौलत आपके घर में, इस छोटे से झोपड़ी में, उसके बदौलत ना जाने कितने बाहर से संत महामान भक्त आते हैं आपके घर में, आपके घर पवित्र करके जाते हैं, आपके घर से अन्न प्रसाद लेकर के जाते हैं, और कितना प्रेम से यहाँ सत्संग वार्ता करते हैं। अपने पिता का आप सभी को सहयोग करते हैं और आगे सहयोग करते रहना चाहिए। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय।